हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मज़ा तो फैंटेसी वेब सीरीज़ में ही आता है, क्योंकि ये हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है और इसकी जर्नी बहुत ज़्यादा अनोखी होती है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी वेब सीरीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें रिलीज़ की गई है 2021 में। इनमें से एक आधी वेब सीरीज़ जो कि अभी तक फिलहाल हिंदी में डबिंग नहीं की गई है, बाकी के सारे वेब सीरीज़ आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, जो भी गेमिंग अपडेट्स या फिर गेमिंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो प्लीज मेरे नए गेमिंग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे गेमिंग चैनल को विजिट करें और वहां पे जाकर सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबा दें, और चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारे टॉप 10 काउंटडाउन में कौन-कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग फैंटेसी वेब सीरीज हैं। नंबर 10, फेट द विनिक्स सागा। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मैजिकल बोर्डिंग स्कूल से, जहां पर स्टूडेंट्स लोग एक्चुअल में अपने मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। लेकिन अचानक से ही उन स्टूडेंट्स का सामना कुछ इवल पावर से होता है, और लास्ट तक वो स्टूडेंट्स उन इवल पावर का किस तरह सामना करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है 2021 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 9, द इरेगुलर। दोस्तों, ये वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि फैंटेसी और मिस्टीरियस वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में कुछ टीनेज लड़कों से होती है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही डेडलीस्ट केसेस को सॉल्व करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कुछ केसेस जो कि एक्चुअल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए रहते हैं, और उन्हीं केसेस को वो किस तरह सॉल्व करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इवन इसके हर एक एपिसोड में आपको नई नई मिस्टीरियस केसेस मिलेंगे, और उन केसेस को वो टीनेज किस तरह सॉल्व करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 8, वॉरियर नन। वेब सीरीज बेस्ड है ड्रामा फैंटेसी एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक वॉरियर नन से, जो कि मरते वक्त अपनी सुपर पावर एक इनोसेंट लड़की को दे जाती है, और वो इनोसेंट लड़की एक्चुअल में एक सुपरनेचुरल पावर का हिस्सा बन जाती है, और लास्ट में वो लड़की डेमोन्स का सामना किस तरह करती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 7, द वॉच। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है फैंटेसी एक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी आपको थोड़ी डिफरेंट लगने वाली है। वेब सीरीज की स्टोरी हल्की फुल्की कॉमेडी से भी भरी पड़ी है। वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है कुछ ऐसे करप्ट लोगों से जो कि खुद तो करप्ट है, लेकिन अचानक से ही उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है कि वो अपनी सिटी को किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं इवल पावर के हाथों से, और लास्ट तक ये सभी अपने इस काम को किस तरह अंजाम देते हैं, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज को चाहे तो आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं और इसे IMDb रेटिंग देती है 5.9। फिलहाल इसे अभी तक इंग्लिश में ही अवेलेबल रखी गई है, इसे हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी, बस थोड़ी दिन की बात है। नंबर 6, द नेवर्स। वेब सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि फैंटेसी और साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है विक्टोरिया से, जो कि एक मिस्टीरियस केस में इन्वॉल्व हो जाती है, और लास्ट तक वो उस मिस्टीरियस केस को किस तरह सॉल्व करती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है, इवन इसके हर एक एपिसोड आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। वेब सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 5, इनविजिबल सिटी। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है फैंटेसी मिस्ट्री एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक डिटेक्टिव से, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते वक्त वो एक ऐसे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं जो कि एक्चुअल में मैजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, और लास्ट तक ये डिटेक्टिव इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 4, ट्राइब्स ऑफ यूरोपा। वेब सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एडवेंचर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही कुछ लोग एक ट्राइबल्स ग्रुप पर हमला कर देते हैं और वहां के सभी लोगों को मार देते हैं। इसी बीच एक लड़की सर्वाइव कर जाती है और वो अपनी फैमिली को किसी भी तरह से ढूंढ के निकालना चाहती है। कंप्लीट वेब सीरीज में एक्चुअली उस लड़की की ही जर्नी को दिखाने की कोशिश की जाएगी, जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा एडवेंचरियस लगने वाली है। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8।
नंबर 3 स्वीट टूथ वेब सीरीज बेस्ड है एडवेंचर फैंटेसी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही पूरे वर्ल्ड में एक वायरस तबाही मचाना शुरू कर देती है। इसी बीच एक नई ब्रीड का जन्म होता है जिसे हाइब्रिड कहा जाता है और इसी हाइब्रिड की जर्नी को ही इस कंप्लीट वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि एक्चुअल में एडवेंचर वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 2 शैडो एंड बोन वेब सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एक्शन एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक सोल्जर ग्रुप से जो कि एक डेडलीस्ट शैडो को किसी भी तरह से पार करके दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन इस शैडो को कोई भी पार नहीं कर पाता है क्योंकि ये शैडो बहुत ज्यादा डेडलीस्ट है। इवन इस शैडो की मिस्ट्री को ही कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और लास्ट तक ये सभी उस शैडो को किस तरह क्रॉस करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि एक्शन और फैंटेसी एक साथ देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और आईएमडीबी रेटिंग देती है 10 में 7.8। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे हिज डार्क मैटर। वेब सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है लायरा से जो कि आपको फिर से अपने एक नए एडवेंचर पर ले जाने वाली है और लायरा की जर्नी कितनी ज्यादा एडवेंचरियस होती है ये जानने के लिए तो आपको इस वेब सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज को फिलहाल इंग्लिश में ही रिलीज की गई है लेकिन इसे हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी। वेब सीरीज रिलीज की गई है HBO पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नए काउंटडाउन के साथ खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।